फोन टैपिंग मामले पर कांग्रेस और भाजपा के दिग्गजों के बीच तकरार बढ़ गई है और मामले पर जहां महेश जोशी लगातार आक्रामक हैं, तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने प्रतिक्रिया दी। आइए सुनते हैं दोनों ने क्या कहा। मैं शेखावत जी से आग्रह करूंगा कि वह भगोड़ों की तरह एक्ट नहीं करें। दिल्ली पुलिस के गीत निकालें, राजस्थान पुलिस की बात करें। दिल्ली पुलिस अगर कानून सम्मत हमको कोई नोटिस देगी तो हम उसमें अगर जरूरत होगी तो पेश भी होंगे या कानून सम्मत जवाब देंगे, लेकिन कृपा करके आप राजस्थान पुलिस पर भरोसा करिए, नहीं तो लोग आपको भगोड़ा कहने लगेंगे। मैं शेखावत जी से आग्रह करूंगा कि वह भगोड़ों की तरह एक्ट नहीं करें। दिल्ली पुलिस के गीत निकालें, राजस्थान पुलिस की बात करें। दिल्ली पुलिस अगर कानून सम्मत हमको कोई नोटिस देगी तो हम उसमें अगर जरूरत होगी तो पेश भी होंगे या कानून सम्मत जवाब देंगे, लेकिन कृपा करके आप राजस्थान पुलिस पर भरोसा करिए, नहीं तो लोग आपको भगोड़ा कहने लगेंगे। मैं शेखावत जी से आग्रह करूंगा। महेश जोशी जी ने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि गजेंद्र सिंह भगोड़ा है और ऐसे नारे भी शायद पीसीसी अध्यक्ष की प्रेजेंस में लगाए गए। देखिए, जो सामान्य परिभाषा भगोड़ा की है, आप डिक्शनरी उठा करके देख लीजिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी उठा कर देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा करके देख लीजिए, भारत की कानून दंड संहिता उठा करके देख लीजिए, वो है कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने समन किया वो यदि हाजिर नहीं हो तो उसे भगोड़ा घोषित किया जा सकता है या भगोड़ा माना जा सकता है, मफरूर कहा जा सकता है, फ्यूजिटिव कहा जा सकता है, एब्सकॉन्डर कहा जा सकता है। हिंदी में कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनको दिल्ली की पुलिस ने बुलाया, दिल्ली जाने में डर लगता है, महेश जोशी जी को दिल्ली में जाकर के पेश होना चाहिए, वरना उनको जरूर भगोड़ा घोषित कर देगी पुलिस। महेश जोशी जी ने